हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो रहेगी Redmi Note 10s की अनबॉक्सिंग के ऊपर। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये जो फ़ोन है Redmi Note 10s जो कि मैंने बाय किया है, और ये जो फ़ोन है ये है 6GB और 64GB वेरिएंट है, और ये Amazon प्राइम डे सेल जो लगी थी उसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट उसमें मुझे मिला है, तो मैंने उसे परचेज़ किया है। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग को हम शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है या इसकी स्पेसिफिकेशन है वो आपको बता देता हूँ। तो ये है Redmi Note 10s का बॉक्स। तो इसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मिल जाता है आपको 64 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा का सेटअप, और साथ में आपको मिल जाती है Full HD+ AMOLED स्क्रीन। AMOLED स्क्रीन काफ़ी अच्छी स्क्रीन रहती है, इसकी ब्राइटनेस और क्वालिटी काफ़ी बढ़िया रहती है, और साथ में आपको मिल जाता है MediaTek Helio G95 प्रोसेसर जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर माना जाता है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रहती है इसकी। और साथ में आपको मिल जाता है 5000mAh का बैटरी बैकअप, और इसके साथ भी आपको मिलता है 33W का फास्ट चार्जर। तो ये थे कुछ एक फ़ीचर, और ये आप में दिख रहा है यहाँ पे कि ये 6GB और 64GB वेरिएंट है। और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें आपको जो फ्रंट कैमरा है वो आपको मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का, और आपको मिल जाते हैं डुअल स्पीकर। और ये जो डुअल स्पीकर हैं ये हैं स्टीरियो स्पीकर, जो कि बहुत ही इस बजट के बहुत कम फ़ोन होते हैं जिसमें स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। और साथ में आपको मिल जाता है IR रिमोट कंट्रोल, इसमें आपको मिलता है IR ब्लास्टर जो कि MI अपने हर एक फ़ोन में देती है, जिससे कि आप अपने जो भी TV, AC और कुछ भी ऐसे जो भी प्रोडक्ट हैं आप अपने फ़ोन को एज ए रिमोट में कन्वर्ट करके आप, और आपको मिल जाता है LPDDR4, और उसके साथ आपको मिलता है UFS 2.2। तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है 2.2, इसमें आपका जो ट्रांसफ़र रेट है वो काफ़ी बढ़िया रहता है। साथ में आपको मिल जाता है 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, हाई रेस ऑडियो सर्टिफिकेशन एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, और आपको मिलता है जेड एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर। तो चलिए, ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन, और चलिए बॉक्स को करते हैं ओपन और देखते हैं इसकी लुक कैसी है। तो गाइज, ये है Redmi Note 10s, इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो गाइज, ये है कुछ एक लुक Redmi Note 10s की, और ये है ब्लैक वेरिएंट। यहाँ पे आती है Redmi की बैजिंग, और यहाँ पे आपको मिल जाता है क्वाड कैमरा का सेटअप, और साथ में आपको मिलता है फ्लैश लाइट। यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्रंट में सेल्फी कैमरा, साइड में आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम कंट्रोल्स, और साथ में पावर बटन प्लस फिंगरप्रिंट सेंसर, और इसके नीचे आपको मिल जाता है स्पीकर, और मिल जाता है सी टाइप पोर्ट, और साथ में आपको मिलता है नॉइस कैंसिलेशन माइक, और साथ में आपको मिल जाता है 3.5mm जैक, और साइड में यहाँ पर आपको मिल जाता है सिम ट्रे, और इसके ऊपर आपको मिल जाता है एक और स्पीकर, साथ में आपको मिलता है IR ब्लास्टर, और साथ में एक और सेकंड आपको मिलता है नॉइस कैंसिलेशन का माइक। तो गाइस, चलो इसको हम रखते हैं साइड पे और देखते हैं हमें बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें मिली हैं। एक आपको साथ में मिल जाता है यूज़र मैनुअल, और देख लेते हैं बॉक्स में क्या है। तो आपको बॉक्स में एक मिलता है बैक कवर जो कि है सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल कवर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि आपको रेडमी इसको साथ में देता है। और इसके साथ आपको मिल जाता है बॉक्स में एक सिम इजेक्टर टूल, और यहाँ पे एक आपको मिल जाती है सी टाइप चार्जिंग केबल, डाटा केबल आप बोल सकते हैं इसको, और साथ में आपको मिल जाता है फास्ट चार्जर। तो गाइज, ये सामान जो है आपको एसेसरीज के साथ मिलती है। तो चलिए एक बार इसका फर्स्ट बूट देख लेते हैं, इसको ऑन करके देखते हैं।
तो गाइज़ ये फ़ोन जो है ऑन हो चुका है। तो ये है इसका होम स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं। और इसमें आपको प्रीलोडेड ऐप्स मिल जाती हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स है और भी काफ़ी सारी ऐप्स हैं, आप इनको चाहें तो इनको डिलीट कर सकते हैं। और ये था कुछ एक लुक फ़ोन का। तो गाइज़ ये था एक छोटा सा वीडियो Redmi Note 10X की अनबॉक्सिंग के ऊपर। तो इस फ़ोन का जो परफॉर्मेंस रिव्यू है या कैमरा का रिव्यू है, उसकी वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगा आपके लिए। आपकी कुछ एक क्वेरी, कुछ भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।